ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराय बाबा परम तत्व में सर्वदा लीन रहते थे। बाबा बाहरी विषयों से, बाहरी जगत से एकदम अलग रहते, हर समय परमात्मा की तेल धारावत लीन अवस्था प्राप्त श्री देवराय बाबा सरकार अक्सर अपने भक्तों को भी सरल, शांत एवं सत्य का आचरण करने का आदेश देते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे तो बाबा यह बात कहते थे, अरे बच्चा गाली दिया तो क्या हुआ, बच्चा तुमसे कुछ लिया तो नहीं, कुछ दे ही गया है। देखो मैं समझता हूँ किसी के गाली देने पर यदि उसका प्रत्युत्तर गाली से ना दो तो अपने अर्जित पुण्य का वो व्यक्ति तुमको छठवा भाग दे जाता है। अरे बच्चा बिना किए ही तुमको पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये तुम ध्यान क्यों नहीं देते। इसीलिए अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसका उत्तर गाली से मत दो। कोई तुमसे क्रोध से बोले तो उसका उत्तर क्रोध से मत दो। अग्नि को पानी से बुझा सकते हैं, अग्नि को अग्नि से शांत नहीं किया जा सकता। वह तुमसे कुछ लेकर नहीं गया, कुछ दे ही गया है, इस तरह तुम्हें लाभ हुआ है बच्चा। श्री देवराय बाबा का यह उपदेश सुनकर वहां खड़ा भक्त वृंद परम आनंदित हो गया। बोले बाबा लेकिन ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा उस समय हो नहीं पाता। श्री बाबा बोले बच्चा जब तुम साइकिल चलाते हो तो पहले ही दिन नहीं सीखते, पहले गिरते हो, फिर संभलते हो, फिर दोबारा अभ्यास करते हो, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि तुम किसी भी व्यक्ति को साइकिल पर बिठाकर आराम से भीड़ भाड़ में बातचीत करते हुए भी निकल जाते हो। बच्चा ये सब अभ्यास की बातें हैं, इनका अभ्यास करो, और एक दिन यही अभ्यास तुमको इस विषय में पारंगत बना देगा। बच्चा बाहर की बड़ी से बड़ी झंझावत तुम्हारे अंदर की शांति को भंग नहीं कर पाएंगे। भगवान की ओर चलते रहो, अपने आप को भगवान के सम्मुख रखा करो। बच्चा इससे तुम बाहरी प्रपंचों से बचे रहोगे। समय मिलने पर वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया करो, समय मिलने पर श्री राम नाम का जाप, और अधिक समय मिलने पर गौसेवा में अपना समय व्यतीत किया करो। बच्चा इस प्रकार तुम्हारे अंदर धीरे धीरे सात्विक परमाणु बनने लगेंगे और तुम्हारी बुद्धि भगवत प्रेरणा से प्रेरित रहेगी। इस तरह तुम बच्चा एक दिन अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और बच्चा जीवन में कष्ट भी उसी के आते हैं जो बड़ी परीक्षा में बैठता है। जिसको परीक्षा देनी ही नहीं बच्चा, उसको कष्ट से क्या प्रयोजन। तुम्हारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, नारायण ही जीव का परम लक्ष्य कहलाए। जय श्री राधे।